हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर फ्रेंड ट्रेडर सुशांत बैक विथ न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो। तो गाइज, अभी बहुत टाइम के बाद मैं न्यू वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो का बेसिकली जो भी इंटेंशन है वो आपको मैं आपको टाइटल देख के तो पता चल गया रहेगा, बट स्टार्टिंग में आपको मैं क्लियर आउट कर देता हूँ। आपको सबको पता है जो मार्जिन में चेंजेस आने वाला है सेबी के सेबी ने जो भी मतलब बताया था लाइक मंथ वाइज जो जैसे जैसे चेंजेस आने वाला है, तो ये इसका फेज़ टू है। मेरे को एंजल ब्रोकिंग से मेल आया था कि लाइक ये चेंजेस होने वाला है, तो उसका ये फेज़ टू है। एंड ये फेज़ टू में क्या क्या चेंजेस होंगे वो बताएंगे। और अभी ये जो न्यू मार्जिन रूल आया है, तो ये टाइम पे अपन कौन से बेसिस पे क्या क्या ट्रेड कर सकते हो, कैसे कैसे कर सकते हो, रिटेलर लोग क्या ट्रेड करें, कैसे ट्रेड करें, उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। गेटिंग इट? तो ये वीडियो पूरे देखें। तो ये वीडियो में आप देख सकते हैं कि फेज़ टू आ रहा है ये मार्जिन में, और इसमें आपको आपको क्या क्या इफेक्ट आपको देखने पड़ेंगे, राइट? क्या क्या इफेक्ट आपको देखना है, राइट? तो अभी इसमें आप देख सकते हैं कि लाइक फर्स्ट मार्च चेंजेस आने वाले हैं, तो 50% ऑफ टोटल मार्जिन विल बी कलेक्टेड अप फ्रंट। लाइक अभी पहले ना आपको जो ब्रोकर था वो आपसे लाइक 10% भी नहीं लेता रहेगा, लाइक जो भी चीज़ आप परचेस कर रहे हो उससे भी कम लेता रहेगा। लाइक आपको 20x तक मार्जिन मिलता था, बट अभी 50% आपका पूरा पैसा आपको देना पड़ेगा। एंड जब भी लास्ट में, जब भी सितंबर में उसका लास्ट थर्ड फेज़ है, वो थर्ड फेज़ के बाद आपको 100% पूरा जितने का है उतना ही पैसा देना पड़ेगा। तो लाइक इट्स लाइक आप जैसे नॉर्मली इन्वेस्टमेंट करते हो, इन्वेस्टमेंट के लिए आप कैसे पूरा पैसा करते हो, लाइक स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में आप अपना पूरा पैसा डालते हो, मतलब जितना भी आपको मार्जिन नहीं मिलता वैसा आप इंट्राडे में थोड़े दिन के बाद होगा सितंबर में। जो रिटेलर लोग हैं, अपन जो भी है, उन लोग की बहुत ही वाट लगने वाली है ये आफ्टर जो भी ये आने वाला है थर्ड फेज़ के बाद। अभी भी थोड़ा परेशानी हो जाएगी, मार्केट की वोलेटिलिटी कम होगी, बट आफ्टर सितंबर गाइज पूरा वाट लगने वाला है। तो अभी आप देख सकते हैं 2x का 2x तक अपने को मार्जिन मिलेगा, स्टिल ये टाइम तक 2x तक मार्जिन मिलेगा, राइट? तो आपको पता है लाइक अभी आपको मैंने पूरी चीज़ें पहले से दिखा के रखी है, लाइक कि ब्रोकरेज कितना है एंड क्या है। लाइक मैं अभी एंजल ब्रोकिंग में ट्रेड करता हूँ, तो आईडी ये मेरा है, तो आप देख सकते हैं कि लाइक क्या प्रॉब्लम। अभी देखो मैं ऑप्शन सेल पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, तो ये अमाउंट में मैं ऑप्शन सेल कर सकता हूँ अभी के टाइम पे। अभी मेरे को एंजल ब्रोकिंग कितना कितना मार्जिन देता है, 5x तक देता है, 5x 7x तक मेरे को मार्जिन मिलता है ऑप्शन सेलिंग पे, बट अभी 2x का हो जाएगा, तो मेरे को और कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा और थोड़े टाइम के बाद 0x, मतलब जितना है उतना ही मेरे को, तो मैं ऑप्शन सेल करना ही छोड़ दूंगा। तो लाइक रिटेलर लोग ऑप्शन सेल करना छोड़ दे, यही इन लोग का इंटेंशन है। इन लोग का कोई भलाई करना ये इंटेंशन नहीं है अपना, तो यही देखो यही। तो अभी ये फेज में आपको क्या करना है कि लाइक आप अभी भी स्टॉक मार्केट में सस्टेन कर पाए, तो अभी इसका मैंने आंसर ढूंढ लिया है। बहुत टाइम से मैं इसके ऊपर बैक टेस्टिंग कर रहा था और अभी मैं वो आपके लिए वीडियो बनाऊंगा और सेकंड पार्ट भी बनाऊंगा उसके लिए। तो अभी बेसिकली आप देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन सेलिंग इज लाइक अ बिजनेस, आप उसमें से कंसिस्टेंट अमाउंट कमा सकते हो। तो अभी ये जो भी बड़े प्लेयर है और जो भी सेबी का जो भी आ रहा है ये रूल के हिसाब से ना, उन लोगों को यही चाहिए कि आप सिर्फ ऑप्शन बाय करें और जो बड़े प्लेयर है जिनके पास 50-100 करोड़ है वो सिर्फ ऑप्शन सेल कर पाए। लाइक उन लोग के पास ही वो क्या बोलते हैं राइट से रहेगा, क्योंकि उनके पास पैसा उतना है। तो रिटेलर लोग ना करें, वही इन लोग का इंटेंशन है, प्योर इंटेंशन। आप जरा सोचिए, लाइक जरा आप दूसरी ओर से सोचिए, यही इंटेंशन, बाकी कुछ नहीं। लाइक जो रिटेलर लोग है वो ऑप्शन बाय करें और जो बड़े प्लेयर है वो ऑप्शन सेल करें, सो कैन आप जो रिटेलर लोग से पैसा ऑप्शन सेलर के पास चला जाए, मतलब बड़े प्लेयर के पास, और वो पैसे वाले बन जाए, यही मतलब है। आपके आपका एनालिसिस कितना भी अच्छा रहने दो, ऑप्शन बाय करके आप मैक्स टू मैक्स कितने टाइम तक सस्टेन कर पाओगे, कितने टाइम तक। और मार्केट में हर टाइम बड़े बड़े मूवमेंट नहीं आता, लाइक बड़ा एक कैंडल 100 पॉइंट का, 50 पॉइंट का, 20 पॉइंट का नहीं आता, मार्केट स्लो स्टेडी चलता है, राइट? गेटिंग इट? कभी कभी आपका डायरेक्शन नहीं बराबर रहता, कभी कभी बराबर रहता है, तो ऑप्शन सेलर 60-80% विनर ही रहता है। तो उन लोगों को विनर करना, अपने को लूजर करना है, राइट? तो अभी मैं आपको बताऊंगा। अभी समझो कि चलो ये मार्च का मंथ है, आप सितंबर तक स्टिल ट्रेडिंग कीजिए, ऑप्शन सेलिंग कर पा रहे हो तो कीजिए, बट आफ्टर सितंबर के बाद आप जो भी कर रहे हो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको थोड़ा भी मार्जिन नहीं मिलेगा, आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा जो भी आप चीज़ें कर रहे हो इंट्राडे के लिए। तो इंट्राडे छोड़ दो गाइज, इंट्राडे छोड़ दो, मैं आपको एक नया स्ट्रैटेजी बताऊंगा, नया ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप एक लाइक अभी देखो मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूं, तो मेरे को
लगभग लगभग 20% तक रिटर्न आता है ऑप्शन सेलिंग पे मेरे कैपिटल के ऊपर, राइट। तो अभी ये मेरा एक जगह पे कैपिटल है 1 लाख के आसपास और दूसरे जगह पे है वो लाइक 50,000 के आसपास, तो इट्स लाइक मेरे को आराम से 30-40,000 रुपीज पर मंथ के उससे भी ज़्यादा मिलता है अभी के टाइम पे, क्योंकि अभी मार्जिन है। बट समझो इन फ्यूचर मैं आगे की सोच रहा हूँ, तो सितंबर के बाद मार्जिन बंद होगा, राइट। तो तभी क्या करना है, तभी आपको बेसिकली क्या करना है, अभी अपना जो भी प्रॉफिट परसेंटेज है वो कम होगा। तो अभी मैं गाइज जो भी फोकस कर रहा हूँ वो ज़्यादा करूँगा स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर। तो स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर कैसे फोकस करूँगा, तो अभी देखो ये है मेरा रिलायंस का चार्ट है, तो रिलायंस के चार्ट के ऊपर मेरे को क्या दिख रहा है, मैं इससे ये जो स्ट्रैटेजी इसके ऊपर एक बड़ा वीडियो बनाऊंगा, बट अभी सिर्फ मैं बताऊंगा मैं कौन से बेसिस पे स्विंग ट्रेडिंग करूंगा। तो अभी देखो रिलायंस में क्या क्या सिनारो हो रहा है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि लाइक ये देखो ये एक जोन है रिलायंस में, ये देखो ये एक जोन है, इधर से वो अप ट्रेंड में गया, उसके बाद उसने हाई तोड़ दिया, एंड हाई तोड़ने के बाद ये अभी कल निफ्टी, आपको पता है फ्राइडे के दिन निफ्टी बहुत गंदा गिर गया है, तो अभी इसका मतलब क्या है कि ये लेवल ब्रेक किया ऊपर गया नीचे आया, तो अभी मैं क्या करूँगा ना गाइज, मैं वेट करूँगा कि निफ्टी जो रिलायंस है ये लेवल फिर से ब्रेक करे, और ये लेवल के बाद मैं फिर से बाइंग में पोजिशन मेरा बनाऊँगा किसमें, स्विंग ट्रेडिंग के लिए। और मेरा जो एक्सपेक्टेशन रहेगा वो लगभग 10% का रहेगा इन 1 वीक, तो ऐसे में स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाला होगा इस, क्योंकि अपने पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, जो भी रियलिटी वो एक्सेप्ट कीजिए, न्यू स्ट्रैटेजी फाइंड आउट कीजिए और वो बेसिस पे ट्रेड करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है अभी गाइज। तो अपन अभी देखो रूल तो बन गया है, रूल इंप्लीमेंट भी हो रहा है, तो अभी उसके ऊपर रोने से कोई मतलब नहीं है, अपने को कोई दूसरा चीज़ फाइंड आउट करना पड़ेगा जिससे आप कंसिस्टेंट अमाउंट करते रहिए, कमाते रहे, राइट। तो अभी मेरे पास मेरे को एक ही ऑप्शन लग रहा है कि लाइक मेरे को स्विंग ट्रेडिंग का जो स्ट्रैटेजी है वो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो मैं मेरा बाइंग का पोजीशन मैं किधर करूँगा, इफ़ रिलायंस इधर किधर आया तो इधर से पुल बैक दिखा तो इधर बाइंग होगा, और इसके बाद मैं बाइंग करूँगा, और मेरा टारगेट ये लेवल तक आराम से रहेगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो ये मेरा अभी का एम है कि लाइक मैं स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट कर दूँ, और स्विंग ट्रेडिंग से मैं ऐसे कंसिस्टेंट अमाउंट कमाते रहो, यही मेरा एम है, बाकी कोई एम अभी बचा नहीं, क्योंकि इंट्राडे में आप ऑप्शन सेल ही नहीं कर सकते तो फ़ायदा क्या है, अभी 2x में क्या होगा गाइस, कुछ नहीं होगा, गेटिंग इट, मतलब 50% आपको पूरा देना पड़ेगा, तो इंट्राडे और इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब ही क्या रहेगा, गेटिंग इट। तो गाइस मैं इफ़ किसी का सेंटिमेंट हर्ट हो रहा है सॉरी, तो कोई बुरा मत माने, क्योंकि ये मेरा फीलिंग है, मैं एक मेरा लाइक क्या क्या मेरे को एक रिटेलर ट्रेडर के हिसाब से जो चीज़ें सहन करना पड़ रहा है वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कि यही प्रॉब्लम सबको होगा रिटेल ट्रेडर को, क्योंकि 2-3 लाख जो भी लेके आते हैं वो लोग को लाइक 20-30% ऑप्शन सेलिंग से मंथ में रिटर्न आता है, वो भी अभी बंद होगा, तो लाइक हम लोगों को किधर दूसरी जगह से ढूंढना पड़ेगा। तो जो रिटेल ट्रेडर है उन लोग के लिए मैंने ये लाया है, तो ये आप पीसफुली देखिए, इसके ऊपर मैं और वीडियो बनाऊंगा। तो और इफ़ मैं अभी देखो इसमें आप नॉर्मल स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं प्राइस एक्शन का, ये देख सकते हैं ट्रेंड लाइन जा रहा है ये बाइंग के साइड में, तो इफ़ फ्यूचर में ये लेवल के आसपास किधर आता है, ये लेवल ब्रेक करके इधर से फिर से ले रहा है और इधर से ले रहा है, तो मैं बाइंग के ऊपर थोड़ा ये सब चीज़ें देखे OI BI देख के मैं ओपन इंटरेस्ट OI दैट मीन OI वगैरह देख के मैं बाइंग में पोजीशन कर दूंगा। तो यही है गाइज, अभी अपने पास यही ऑप्शन रहा है, तो आप जो भी रूल आ रहा है उसको देखो, अभी रूल बन गया है, रूल इंप्लीमेंट होना भी स्टार्ट कर दिया, तो आप अभी नया स्ट्रैटेजी फाइंड आउट करो, और जो परसेंटेज वाइज देखे कि कैपिटल पर 10% 20% मंथ में रिटर्न मिलना बहुत सही है, तो स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अपने पास कोई अभी दूसरा ऑप्शन बचा नहीं है, गेटिंग इट। तो अभी दैट्स इट, ये वीडियो कैसे लगा जरूर बताइए, इफ आपको सेकंड पार्ट चाहिए तो मेरे को कमेंट डाउन में बताएं, मैं सेकंड पार्ट भी बनाना स्टार्ट कर दूंगा, जल्दी बनाऊंगा और आपके लिए सेकंड पार्ट भी लाऊंगा। दैट्स इट गाइज, होप यू लाइक दिस वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय।